बढ़वा बांध के जलाशय में पानी अधिक मात्रा में एकत्रित होने के चलते बीती रात 11 बजे से 18 गेट की ऊंचाई बढ़ाकर करीब 16,200 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। रात में ही नर्मदा के खतरे के निशान 163.980 को पार कर दिया था, जिसके चलते रात्रि में मोरटक्का पुल पर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। सुबह से ही नर्मदा का जल स्तर खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर बह रहा है। इसके बावजूद बांध से लगातार पानी छोड़े जाने पर नर्मदा का जल स्तर बढ़ने की संभावना है। फिलहाल 11 बजे तक पुल से करीब 8 फीट नीचे पानी बह रहा है। 11:30 बजे ओंकारेश्वर से करीब 2000 क्यूमेक पानी और छोड़ा जाना है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। रात्रि में आ गए थे यहाँ पर, कल रात्रि से लगे हुए हैं। खरगोन से ये टीम हमारी आई हुई है 7 लोगों और यहाँ के लोकल वॉलेंटियर भी इसमें है। SDRF की ये टीम है और हमारे जिला सेनानी श्रीमान मुकेश कुमारी लश्कर जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं। हमारे पास बोट और इंजन वगैरह सारे साधन पर्याप्त उपलब्ध हैं, बचाव सामग्री पूरी है और जिससे कि हम लोगों को जल स्तर बढ़ने के कारण इस किनारे से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से दूर रहें ताकि कैजुअल्टी ना हो, और ये प्रयास हम कंटिन्यू अब जब तक जल स्तर है तब तक करते रहेंगे। हम लोग 7 लोगों की टीम आई है SDRF की खरगोन से, अब तो कैजुअल्टी नहीं हुई है और हमारा प्रयास भी यही है कि यहाँ होने ना दे, रोके उसको। 1, 2, 3 गत संध्या में जो ओंकारेश्वर डैम से पानी छोड़ा गया था उससे नर्मदा तट के सारे इलाके प्रभावित हुए हैं और नावघाट खड़ी स्थित साईं मंदिर पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया है। प्रशासन की बहुत समुचित व्यवस्था रही है, किनारे पर उन्होंने तेज तीव्र हेलोजन लाइट भी लगाए हैं और खरगोन से SDERF के लोग भी यहां पर सेवा देने के लिए आए हैं। नगरवासी और पत्रकार बंधु सहित गांव के लोग भी इस आपदा के समय में सहयोग कर रहे हैं और ये स्थिति हमें पिछले 2-3 सालों में देखने को मिली है। यहाँ पर नर्मदा के ब्रिज से अभी पानी करीब 10 फीट नीचे है लेकिन सुविधाओं को देखते हुए यातायात को रोक दिया गया है और कोई दुर्घटना नहीं घटे इसका प्रशासन भी पूरा ध्यान रख रहा है। यहाँ का जो निजी शासन है, पंचायत के लोग हैं और ग्रामवासी लोग हैं, वो सभी इस तरह से सजग है और नर्मदा के जल में निरंतर वृद्धि हो रही है और कह रहे हैं कि अभी और जल छोड़ा जाएगा। आसपास के बड़वा सनावद और जितने भी दूर दूर के कुछ लोग हैं वो नर्मदा की जल वृद्धि को देखने के लिए यहाँ पर इस दृश्य को देखने के लिए लगातार आ रहे हैं। मात श्री नर्मदे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।